दोस्तों, क्या जगत सुंदरी राधा रानी ने एक राक्षस से विवाह किया था? सर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों, वासुदेव श्री कृष्ण जिन्होंने द्वापर युग में अपनी लीला से असंख्य राक्षसों का वध किया और धरती माता को मुक्त कराया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला के दौरान एक ऐसा राक्षस भी थे जिनके बारे में हमें प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही कम वर्णन देखने को मिलता है। इसलिए समाज उनके बारे में कई तरह की लोक कथाएं और भ्रम फैला देते हैं। हमारे सनातन धर्म के विषय को उठाने वाले टीवी सीरियल इन भ्रांतियों को और बढ़ाते हैं और बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। इसी तरह से शो में दिखाया जाने वाला चर्चित सीरियल राधा कृष्ण में राक्षस हंस राधिका की सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है। तब राक्षस उनसे शादी करना चाहता था, तब श्री राधिका उसके लिए हार में भर देती है और उन्हें दुल्हन के रूप में भी दिखाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और ये हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाने जैसा है। हमारे देवों का इस प्रकार का वर्णन निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत से हिंदू ऐसे धारावाहिक को झूठी कहानियों के साथ देखने के लिए सहमत हो जाते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण और श्री राम पर ग्रंथों में पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। इसलिए हम यहाँ इन राक्षसों, हंस और दिम्बक की कहानी लेकर आए हैं जिनका संबंध द्वापर युग में श्री कृष्ण से है। दोस्तों, हंस और दिम्बक नाम के दो भाई राक्षस थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे। लोक कथाओं में हंस और दिम्बक के अधिकांश वर्णन जरासंध से ही संबंधित है। वास्तव में हंस और दिम्बक का वर्णन वृंदावन में श्री राधे से कोई संबंध ही नहीं है। जरासंध की सेना में हंस और दिम्बक सबसे शक्तिशाली सैनिकों में से एक थे, और जैसा कि हम जानते हैं कि जरासंध बार बार श्री कृष्ण पर आक्रमण करता था। श्री कृष्ण कुशल रणनीति से जानते थे कि अगर उन्हें जरासंध की सेना को तोड़ना है तो हंस और दिम्बक का युद्ध भूमि में मारा जाना जरूरी है। तब श्री कृष्ण एक सुंदर लीला रची। उन्होंने एक हंस को मार डाला और युद्ध मैदान में अफवाह फैला दी कि हंस मारा गया। दिम्बक ने सोचा कि उसका प्यारा भाई हंस मारा गया है। यह सुनकर दिम्बक इतना दुखी हुआ कि उसने यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। फिर दिम्बक की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने हंस के पास गए और उनसे कहा कि तुम्हारा प्रेम झूठा है, यह भ्रम है। तब तुम्हारे भाई को पता चला कि तुम मर चुके हो तो वह अपना प्राण त्यागने के लिए यमुना में कूद पड़े, लेकिन देखो तुम कितने स्वार्थी हो और यहाँ लड़ाई लड़ रहे हो। दिम्बक के अंत का तुम पर कोई असर नहीं पड़ता। तब लीलाधर श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर वे श्री कृष्ण की बातों में आ गया और यमुना नदी में कूदकर मर गया। इस तरह श्री कृष्ण अपनी रणनीति से जरासंध के सैनिक की शक्ति को आसानी से तोड़ दिया था। लेकिन जो सीरियल में दिखाया जाता है ये बिल्कुल सच नहीं है, और हमें बिना सोचे समझे ऐसी झूठी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और जय राधा कृष्ण लिखना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।